जब तक तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं जी हाँ आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट में और दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर गजेंद्र कटारिया तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट है जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो प्रयास है वो धरातल पर दोस्तों अब दे, दिखाई देने दिखाई दे रहा है और यूपी ट्रपल एस सी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आज मैं आप सब आज मैं आप सबके सामने शेयर करने वाला हूँ तो इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक ज़रूर देखेगा और दोस्तों मैं लेटेस्ट अपडेट देने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे बहुत बुरा भी लगा दोस्तों इस बात का कि आप सभी जो केवल अपडेट लेने के लिए यूट्यूब चैनल पर आते हैं या केवल वीडियो कुम खाली थोड़ी सी वीडियो देखी कि बस क्या अपडेट है उसके बाद पूरी बात आप बिल्कुल भी नहीं सुनते और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दोस्तों जो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर जो थंबनेल देख रहे हैं कि यूपी प्लस एस सी जेई सोलह अट्ठारह सितंबर अक्टूबर में अगर ये परीक्षा हुई तो मात्र इतना रह जाएगा कंपटीशन कट ऑफ जाएगी उम्मीद से कम दोस्तों इस वीडियो में ये जो वीडियो है यूट्यूब पर मेरे चैनल पर पड़ी हुई है तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद केवल मेरा इतना था कि आपका जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड और जो आपका कट ऑफ है वो कितनी जाएगी तो उसके लिए दोस्तों एक सर्वे मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस वीडियो के माध्यम से चला रहा था जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपको अपना नाम अपनी ब्रांच का नाम ठीक है और आप कहाँ से हैं मतलब कौन से डिस्ट्रिक कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए कहा था और बड़े दुख के और बड़े शर्म की बात है कि दोस्तों ये वीडियो मात्र 2000 व्यू भी मतलब 2000 बच्चों तक भी दोस्तों ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है मात्र 100 कमेंट 100 कमेंट क्या इतने सारे एक लाख उन्नीस हज़ार बच्चों में से क्या केवल सौ दो बच्चे ही तैयारी करते हैं दोस्तों ये सब आप सभी का दायित्व है आप सभी का फर्ज है कि जो भी ये सर्वे हो दोस्तों ये सर्वे किसके लिए किया जा रहा है आप सभी के लिए किया जा रहा है ठीक है तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा और देखनी नहीं है अपने दोस्तों को शेयर भी करनी है ठीक है जिससे कि मुझे आप सभी के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट प्राप्त हों तो तभी तो दोस्तों मैं आपका जो बिल्कुल सटीक एनालिसिस है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका निकाल पाऊँगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपडेट की तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि यू पी ट्रपल एस जेई का एग्ज़ाम कराने को लेकर दिन रात एक इस कड़ी धूप में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम तुम तो केवल अपडेट ले लेते हैं यूट्यूब के माध्यम से घर पर बैठे हुए हैं लेकिन जिन्होंने अपना खाना पीना छोड़ कर, दोस्तों जो टीम धरातल पर जो टीम प्रयागराज जो टीम लखनऊ जो टीम इधर अदर बच्चों को जोड़ने का काम कर रही है दोस्तों उनका जो मेहनत है आप सभी का जो सपोर्ट है उसका जो रंग है दोस्तों अब दिखने देखना जो है यूपिटर पलिससी पर शुरू हो गया है जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते थे कि यूपीटर प्ले की जो प्रफेंस लिस्ट है यानी कि जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीटरपलिस में सबसे पहला जो एग्ज़ाम है पैट का होगा और बीस अगस्त को दोस्तों ये एग्ज़ाम निर्धारित किया गया यूपेटरपल्सी के तो यूपिट्रपलिस ने यूपिट्रोप्लेसी जेई का जो एग्ज़ाम है 2016-18 इसको लेकर कोई भी जो अपना प्लान है वो अभी तक नहीं बना रखा था ठीक है लेकिन जब से संदीप दुबे ने कोर्ट केस किया है संदीप दुबे भाई लखनऊ वाले जो हैं ठीक है फ्यूचर इंजीनियर इनका चैनल है और दिनेश भाई और ज्ञानेन्द्र भाई ये सारे जो लोग हैं और इनकी जो टीम है मैं बहुत सारों के तो नाम भी नहीं जानता ठीक है तो इनकी जो टीम है उन्होंने कोर्ट केस किया था और कोर्ट केस के माध्यम से दोस्तों आप सभी को पता था कि एयूपटर प्लेसी को बिल्कुल सख्त हिदायत दी गई है कि आप अपना दस दिन के अंदर हमें जो डेट चाहिए ठीक है डेट का जो हलफनामा है अगले दस दिन में आपको प्लेसी को मतलब कोर्ट में मान्य राजेश सिंह जो चौहान हैं जज साहब उनकी जो सिंगल बेंच है उसमें उनको यूपिटर पलिसी के वकीलों को सौंपना है तो अपडेट ये है दोस्तों यूपिटर पेलिसी से कि कल यूपिटर पैलिस में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो यूपिटर पलिससी के वकील हैं उनके द्वारा अवगत करा दिया गया है कि अब आपको ये एग्ज़ाम जो जेई का एग्ज़ाम है ये आपको कराना ही कराना पड़ेगा तो यूपिटर पलिसी में कल इस बात पर चर्चा हुई अब यूपिटर पलिससी में जब भी मीटिंग होगी तो इस बात को लेकर लेकिन अगर दोस्तों अगर आप बारह तारीख का धरना कर देते हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त धरना कर देते हैं ठीक है अगर आप जबरदस्त धरना कर देते हैं पूरी शिद्दत के साथ पूरी मेहनत के साथ अगर आप एक बार यू लखनऊ आ जाते हैं यूपी ट्रपले आयोग पर तो यू जो अगली मीटिंग होगी समझ लीजिए उसमें आपकी डेट होगी और निश्चित होगी अब यूपी के जो अध्यक्ष हैं उनके विचार में अब यूपिट्रपलेसी का जो एग्ज़ाम है इसको संभावित दिखाया जाएगा जैसा कि दोस्तों मुझे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों जैसा कि मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ कि यूपिट्रोप्ले का प्लान अब ये बनाए हैं अभी उनको ये नहीं पता कि बारह तारीख में एक विशाल धरना है ठीक है तो यूपिट्रपलेसी के जो कर्मचारी हैं जो परीक्षा कंट्रोलर हैं दिनेश ठीक है उनको यूपी ट्रपल सी ने आदेश दिया है कि आप जल्द से जल्द ज, आप जल्द से जल्द बच्चों को शांत करने के लिए यूपी ट्रपलसी जई 2018 का सिलेबस जारी कीजिए तो कहने का मतलब है कि 15 तारीख के बाद कभी भी दोस्तों आपको यूपी ट्रपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट यूपी डॉट जी डॉट इन पर दोस्तों आपको जे दो हज़ार अट्ठारह का सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा और जल्द ही दोस्तों एक मीटिंग अभी ये नहीं कह सकते हम कि इस मही इस मंथ में या इस डेट को एग्ज़ाम होगा क्योंकि यू प्यटर प्लेस कि अब जब भी मीटिंग होगी अगर आप तो सही समय पर अगर आप सही जगह पर तीर लगा दें यानी कि कहने का मतलब मेरा अगर जबरदस्त धरना कर दें तो कोई आपकी एग्ज़ाम डेट को रोक नहीं सकता और आपका एग्ज़ाम हर हाल में होगा ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा लखनऊ चलिएगा और वहाँ पर अपनी जो एग्ज़ाम डेट है क्योंकि तो आप सभी जानते हैं कि दोस्तों अगर आप ये सोच कर नहीं जाएंगे कि यार इस बार नहीं जा रहे है या उस बार नहीं जाएंगे तो ऐसे कोई भी नहीं जाएगा दोस्तों ठीक है क्योंकि ये एग्ज़ाम केवल जो टीम वर्क कर रही है उनका ही नहीं है आप सभी का है सभी कोचिंग सेंटरों का है जितने भी यूट्यूबर चैनल हैं मेरी उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करें और सपोर्ट केवल आपको वीडियो के माध्यम से नहीं करना दोस्तों आपको सपोर्ट पैसों से भी करना है ठीक है तो यूपी ट्रपल एस सी का प्लान मैंने आपको बता दिया यूपी ट्रपल एस सी क्या करने जा रहा है यूपी ट्रपल सी पहले दो हज़ार जो अट्ठारह उसका सिलेबस जारी करेगा अब और जो डेट है दो हज़ार सोलह वाली उसकी डेट दोस्तों घोषित करेगा लेकिन अगर आप जबरदस्त धरना कर देते हैं तो दोस्तों ये मजबूर हो जाएंगे धरने की तरफ से भी और दोस्तों कोर्ट के यानी कि कागज़ के माध्यम से भी कोर्ट के माध्यम से और आप सभी का जो दबाव है उसके माध्यम से भी जो आपकी डेट है दोस्तों वो यू पटर से घोषित कर देगा तो बस यही अपडेट है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक और दूसरी बात यार आप केवल अपडेट देखते हो लेकिन चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता चैनल को कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता जबकि मैं ऐसा कभी बोलता नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो लेकिन आप सभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक न्यूज़ दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर हमेशा दी जाती है और दी जाती रहेगी तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर कर आइकन को प्रेस करना ना भूलना और आपने अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों इस वीडियो को देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद